चिंतन और चिंता में अंतर कितना है जरा ध्यान दें। बनाती है मुर्दा को चिता जलाती है तो चिंता जिंदगी को चिंता बड़ी चिता से है नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है तो चिंता जिंदगी को। सुनिए साफ गहराई से, अब इस बात को थोड़ा गहराई से देखें। मैं इस बात को यूं कहना चाहेंगे, चिंता जो है वो संसार की है और चिंतन परमात्मा का है। चिंता करोगे तो माया के जालों में बंधे रहोगे और चिंतन करो आवागमन से रहित हो जाओगे। चिंता बाहर की विषय है और चिंतन अंदर का विषय है। समझ में नहीं आई होगी, समझ लो गहराई से साहब। चिंता संसार का है, चिंता जो है वो संसार का विषय है और चिंतन जो है वो अंदर का विषय है। अच्छा, भागना भी दो प्रकार का होता है साहब। यहां हम सब लोग भाग रहे हैं, एक चिंता से भाग रहा है, एक चिंतन से भाग रहा है। लेकिन अगर ये दो बातें आप लोग समझ लो, ये संसार में केवल इन दो बातों पर व्यक्ति अपना गौर या प्रकाश डाल दे, एक चिंतन पर एक चिंता पर, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि संसार में हमें इन व्याधियों से जूझना नहीं पड़े, संसार में हमें इन कलह से हमें जूझना नहीं पड़े, संसार में हमें चिंता से जूझना न पड़े। केवल दो शब्दों पर अगर विचार डाल लिया जाए तो परीक्षित यज्ञपति जी जानना चाहोगे, उन दो शब्दों में से एक है चिंतन और दूसरी है चिंता। है क्या साहब, करते हम क्या है, भूल हमसे यही हो रही है बस। भूल केवल इन्हीं दो शब्दों पर हमसे हो रही है। मैं निवेदन करना चाहेंगे, वो महाराज जी बैठे हैं, प्लीज आप अपने आसन पर आइए। उस समय तो वो बूंद पड़ गए थे इसलिए आप वहां बैठे थे, आप इधर आइए तो मुझे भी अच्छा लगता है। जब संत कथा में पधारते महाराज तो हमारा भी हौसला बड़ा अपना, तो आइए आइए, ये स्वागत है आपकी, ये जगह सुनिए। तो परीक्षित महाराज जी, यही हमसे सबसे बड़ी भूल होती है। कौन सी भूल होती है? अच्छा, एक बार जय श्री राधे बोलो, उसके बाद बताएं। कहे प्यार से जय जय श्री राधे। तो अब भूल हमसे ये होती है मेरे भागवत श्रोता बंधु जनों, क्योंकि चिंता हमसे छुटती नहीं और चिंतन हमसे होता नहीं। अगर चिंतन होने लगे, चिंतन जो होगा तो चिंता मिट जाएगी और चिंतन मिट चिंता मिट जाएगी तो चिंतन बढ़ जाएगा। चिंता करोगे तो बात बिगड़ जाएगी, चिंतन करोगे तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। साथ बोलिए गोविंद भगवान की।